हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड नाइट। जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं उसके लिए आज हम आपके लिए आपकी डिमांड पर एक नया चैप्टर का वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो के बारे में हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और इसे तीन पार्ट में पढ़ेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, तीन पार्ट करके इसको पढ़ेंगे। तो ये रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है सबसे पहले ये जानेंगे और हम इस बात के बारे में आपको बताएं, अगर आपने हमारा वीडियो, हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम सारे डाउट ऑनलाइन क्लियर करते हैं और आपको बेहतरीन नोट्स के साथ नॉलेज देते हैं। तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और फिर शुरू करते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग इंडिविजुअल्स दैट लुक वेरी मच लाइक देम। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो नई यंग इंडिविजुअल्स को पैदा करने का, जो ठीक अपने पेरेंट की तरह दिखाई दे। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। रिप्रोडक्शन बहुत एसेंशियल इसलिए है कि अर्थ पर अगर लाइफ कंटिन्यू बनी रहे, इसके लिए जरूरी होता है कि रिप्रोडक्शन हो, नई संतानें पैदा हों, तो इसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? क्या ऑर्गेनिज्म अपनी तरह की ही नई एग्जैक्ट कॉपी तैयार करते हैं? आंसर है यस। जैसे लॉयन के बच्चे लॉयन की तरह ही होते हैं, बिल्ली के बच्चे बिल्ली की तरह होते हैं, ह्यूमंस के संतानें ह्यूमंस की तरह ही होती हैं, तो ये अपनी एग्जैक्ट कॉपी जिसमें बॉडी डिजाइन ठीक वैसी ही होती है, उस तरह के डीएनए कॉपी बनाते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं और एक क्रोमोसोम में एक डीएनए होता है। तो जो क्रोमोसोम्स क्रिएट होते हैं, डीएनए क्रिएट होते हैं, सबसे पहले तो उनकी कॉपी डबल बनती है। जो सेल है वो प्रोटीन का यूज करके ठीक अपने जैसे एक कॉपी और तैयार करते हैं, फिर वो जब डबल कॉपी हो जाती है फिर उसमें डिवीजन शुरू होता है। तो इस तरह एग्जैक्ट सेल क्रिएट होते हैं, करीब करीब आइडेंटिकल नहीं होती बॉडी, एकदम से सिमिलर होती है, लेकिन बॉडी का डिजाइन एग्जैक्ट होता है। तो आंसर है यस, ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स टू क्रिएट ऑफ डीएनए कॉपीज। एनसीईआरटी की नेक्स्ट हेडिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो स्टूडेंट्स its answer is variation is necessary to survive because the temperature on the earth can go up and down, water level can vary, or there could be meteorites hit. To think of a few example, if a population of reproducing organism were drastically altered, the population could be wiped out. वेरिएशन बहुत जरूरी है सर्वाइव के लिए, क्योंकि अगर हमारी बॉडी के अंदर वेरिएशन नहीं होंगे तो हम जो बदलाव आते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, जैसे एकदम से टेम्परेचर चेंज हो गया, हॉट वेदर की जगह एकदम बहुत कोल्ड वेदर हो गया, ड्रास्टिक चेंज हो गया, बाढ़ आ गई,
या मेटेराइड हेड्स हो गए, अगर सर्वाइवल कैपेसिटी नहीं है, उसके अंदर अलग अलग कंडीशन में रहने की क्षमता नहीं है किसी भी स्पीसीज में, तो किसी भी तरह का वेदर चेंज या अल्टरेशन पूरी की पूरी स्पीसीज को वाइप आउट कर देगा, साफ कर देगा, खत्म कर देगा। जैसे डायनासोर वाइप खत्म हो गए मेटेराइड हेड्स से। हॉट किसी जगह टेम्परेचर है, वेदर है, और अगर वहाँ पर एकदम से बहुत ठंडा मौसम हो जाए और लंबे समय तक ठंडा मौसम चले तो वहाँ की स्पीसीज खत्म हो जाएंगी। जो स्पीसीज बहुत ठंडे या बर्फीले इलाकों में रहते हैं, वहाँ एकदम हॉट वेदर हो जाए और लंबे समय तक चलता रहे तो वहाँ की सारी स्पीसीज वाइप आउट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो वेरिएशन है, वेरिएशन मीन्स अलग अलग कंडीशन में रहने की क्षमता जिस स्पीसीज में होती है, वो स्पीसीज मौसम के बदलने से या किसी भी कंडीशन के अल्टर्ड होने के बावजूद भी बची रहती हैं और लाइफ कंटिन्यूस चलती रहती हैं। जैसे बहुत से बैक्टीरिया हैं, एंटीबायोटिक डालो, मोस्टली बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन कुछ बैक्टीरिया फिर भी जीवित रह जाते हैं क्योंकि उनमें वेरिएशन है। वायरस है, एंटीवायरस लेने से मोस्टली वायरस मर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से ही कुछ वायरस जीवित रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन वायरस में वेरिएशन है। जैसे अभी कोविड चल रहा है, ओमिक्रोन आ गया, तो इनमें क्या है, वेरिएशन है। कितना भी इसमें इनको मारने की कोशिश करो, खत्म करने की कोशिश करो, फिर भी कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया ऐसे ज़रूर रह जाएंगे जिसमें उनसे लड़ने की क्षमता होगी और वो स्पीसीज कंटिन्यू लाइफ के साथ साथ हमारे अर्थ के पर बनी रहती है। तो इसलिए वेरिएशन बहुत ज़रूरी है जीवित रहने के लिए। अगर जीवित नहीं रहना जो अगर वेरिएशन नहीं होगी तो जीवित नहीं रह सकते। जैसे ह्यूमन में वेरिएशन इतनी अधिक होती है कि वो बर्फीले इलाकों में भी रह सकता है, हॉट टेम्परेचर में भी रह सकता है, बाढ़ वाले इलाकों में भी जीवित रह सकता है। तो सबसे ज़्यादा वेरिएशन हमारे ह्यूमंस में होती है, इसलिए ह्यूमंस सुप्रीम है। नेक्स्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। द मोड बाय विच Various organism reproduce depend on the body design of the organism. जो single organism होते हैं वो reproduction कैसे करते हैं अपने single body design का use करके। अब जैसे amoeba है, इसमें ये single cell organism होता है। ये amoeba जब न्यू डॉटर सेल्स बनाता है तो इसका जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है ये बीच में से श्रिंक हो जाता है और धीरे धीरे इस तरह दो दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ये फिशन में आता है। लेकिन लीसमेनिया और प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया में ऐसा नहीं होता कि वो दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, टूट जाए। लीसमेनिया और मलेरिया में जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इसके छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं अंदर, और हर छोटे छोटे डॉट्स में ये पूरा न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है, और हर छोटे छोटा पार्ट जब ये सेल ग्रो होता है तो ये अपने इंडिविजुअल फॉर्म में आने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं, साइज बढ़ने लगता है। पहले तो अंदर का न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, छोटी छोटी चीज में ब्रेक हो जाता है, और फिर वो छोटे छोटे सेल्स ग्रो करते हैं और मेन सेल ब्रेक हो जाता है, फट जाता है, और फिर सैकड़ों की संख्या में नए प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स और ये लीसमेनिया पैदा हो जाते हैं। मलेरिया पैरासाइट ये आरबीसी के अंदर होता है, पहले आरबीसी के अंदर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है
प्लाज्मोडियम, ये एक सेल से मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आई क्या होगा कि जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस ब्रेक होता है छोटे छोटे पार्ट में, और हर न्यूक्लियस एक नया बॉडी सेल डिजाइन बना लेता है और ग्रो करता है बॉडी के न्यूट्रिएंट को यूज करके। जैसे जैसे सेल्स बड़े होते हैं मेन सेल फट जाता है, आरबीसी फट जाती है, और फिर सैकड़ों की संख्या में फिर ये प्लाज्मोडियम फिर दूसरे आरबीसी पर अटैक कर देता है। ठीक है, तो ये फिशन है जहां पर या तो एक से दो बनेंगे या मल्टीपल फिशन होता है। दूसरी तरह के रिप्रोडक्शन में आते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से न्यू इंडिविजुअल क्रिएट होना ये स्पायरोज़ायरा में दिखाई देता है। नालों में देखा होगा कि लंबे लंबे धागे जैसे तैरते रहते हैं हरे हरे से, ये स्पायरोज़ायरा होते हैं। इनकी बॉडी डिजाइन बहुत सिंपल होती है। फ्रेगमेंटेशन से न्यू इंडिविजुअल्स नई संतानें पैदा होना ये सिर्फ सिंपल बॉडी डिजाइन वाले ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। एग्जांपल है स्पायरोज़ायरा। स्पायरोज़ायरा जब ये टूटते हैं फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे, तो उन फ्रेगमेंट्स से फिर नए स्पायरोज़ायरा फुली बॉडी उनमें ग्रो हो जाती है, बढ़ जाते हैं ये। तो इस तरह ये फ्रेगमेंटेशन से स्पायरोज़ायरा अपने नए नए इंडिविजुअल्स क्रिएट करते हैं। दूसरा आता है थर्ड पार्ट रीजनरेशन। द स्पीसीज गिव राइज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मेनी पीसेस, मेनी ऑफ दीज पीसेस ग्रो इनटू सेपरेटेड इंडिविजुअल्स। ये रीजनरेशन क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है कोई ऑर्गेनिज्म है अगर उसके पीसेस हो जाते हैं तो हर पीस नए इंडिविजुअल पैदा करता है। इनकी बॉडी डिजाइन बहुत सिंपल नहीं होती, इनसे थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा में दो तरह के रीजनरेशन मिलता है, बडिंग भी मिलता है रीजनरेशन भी मिलता है। जैसे ये हाइड्रा है, अगर इसके पीसेस कर दो तो हर पीस नया हाइड्रा बनाएगा, हर पीस नए हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लेनेरिया भी एक सिंपल से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इस तरह का प्लेनेरिया होता है, पानी में मिलते हैं। अगर ये पीस कर दिए जाएं, काट दिए जाएं, तो हर प्लेनेरिया जो ये कटा हुआ है फिर ये नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। इनके अंदर रीजेनरेटिव टिश्यूज होते हैं, रीजेनरेटिव टिश्यू होते हैं जो पूरी बॉडी को दोबारा से बना देते हैं। ऐसे ही हाइड्रा में भी होता है, हाइड्रा में और ये इसमें ये रीजेनरेशन से पैदा होते हैं। इनमें बडिंग नहीं होती, लेकिन हाइड्रा में बडिंग से भी होता है। होता ये है कि यहां से एक अलग से बड निकलती है, फिर ये बड ग्रो करके एक सेपरेट हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये यहां से अलग होगी, एक अलग से हाइड्रा बन जाएगा। तो ये बडिंग हाइड्रा में होती है, रीजनरेशन भी हाइड्रा में होता है, लेकिन प्लेनेरिया में सिर्फ रीजनरेशन होता है, बडिंग नहीं होती। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। व्हेन अ पार्ट ऑफ अ प्लांट स्टेम रूट और लीव्स गेट अटैच्ड एंड डेवलप्स इनटू एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल द प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है कि लीव्स स्टेम रूट इनसे नए इंडिविजुअल क्रिएट होना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। जैसे ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम के जो प्लांट्स होते हैं
उनकी पत्तियों में स्पोरेंजिया होते हैं, जो पत्तियां होती हैं नॉट्स होती हैं, इस तरह तो नहीं, छोटी छोटी नॉट्स होती है, देखे होंगे अगर जिन्होंने फाइलम की लीव्स देखी हैं, तो कुछ मोटी सी लीव्स होती हैं वो, और जब ये पत्तियां जमीन पर गिरती हैं तो इनमें जो स्पोरेंजिया अंदर होते हैं और गाइनिसियम पार्ट होता है इनके अंदर, उनसे नए प्लांट्स बन जाते हैं ब्रायोफाइलम में। ऐसे ही आपने देखा होगा बनाना, बनाना में क्या होता है, रूट से बनाना प्लांट देखा है, उसमें नए प्लांट रूट से ग्रो होते हैं, तो रूट से, लीव से या स्टेम से, जैसे वेजिटेबल ग्राफ्टिंग सुना होगा, ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जैसे ये कोई स्टेम है, इसका स्टेम काट लिया जाता है, ऐसे इसमें छेद कर देते हैं, अब दूसरे सेम स्पीसीज का दूसरा प्लांट लेते हैं, उसमें दूसरे प्लांट के स्टेम या उसकी ब्रांच काट करके इसमें फिट कर देते हैं और ऊपर से खाद लगा करके इसे बाइंड कर देते हैं, तो कुछ समय बाद ये स्टेम इसके साथ जुड़ जाता है। ऐसे ही गुलाब के पौधों में अगर कोई गुलाब अच्छा नहीं है, उसके स्टेम में दूसरे अच्छे गुलाब का स्टेम या उसके ब्रांच लगा सकते हैं ग्राफ्टिंग से। आम के पेड़ पर अलग अलग तरह के आम की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, एक ही ट्रीज पर अलग अलग वैरायटी के आम उग जाते हैं, ग्रो होने लगते हैं, तो ये ग्राफ्टिंग मेथड होता है। एक मेथड होता है लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है कि जैसे जो सॉफ्ट प्लांट होते हैं जिनका स्टेम सॉफ्ट होता है और स्टेम सीधा खड़े होने की बजाय ऐसे झुक जाता, तो जो झुका हुआ स्टेम है, ये पत्तियां हैं, तो ये झुका हुआ जब मिट्टी के साथ ये अटैच होता है स्टेम, तो इस स्टेम में से नए रूट्स निकल जाती है, फिर इसको यहां से अलग हम काट दें तो ये इंडिविजुअल नया स्टेम शुरू हो जाता है। जैसे ग्रास में भी ऐसे ही होता है, ग्रास कभी सीधी सीधी नहीं रहती है, ग्रास बड़ी होती है फिर झुक जाती है, फिर यहाँ से जड़ निकल जाती है, फिर निकल जाती है, तो ये लेयरिंग वाला प्रोसेस है, जहां पर जैसे चमेली के प्लांट्स में ऐसे कर सकते हैं। जो स्टेम, जिस प्लांट के स्टेम वीक होते हैं वो नीचे झुक जाते हैं और झुक करके जमीन के साथ अटैच करके फिर एक नया प्लांट बना लेते हैं, तो ये होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बहुत सारी जो किसान है वो ऐसे ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से आम उगाते हैं, गुलाब उगाते हैं जो फार्मर्स हैं, तो ये सारी चीजें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से चलती रहती हैं और कम समय में नए इंडिविजुअल्स और बहुत जल्दी उसमें फल या फूल आने लगते हैं। अब समझते हैं राइजोपस के बारे में। इसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, इन दिस मेथड स्पोर फॉर्मेशन इज द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ही एक तरीका है, ये थोड़ा सा सेपरेट है। इन दिस मेथड द पेरेंट प्लांट produces hundreds of microscopic reproductive units called spores. जो parent plant है इसमें ये ball like structure बनता है और इसके अंदर बहुत छोटे छोटे hundreds, thousands एक spores, छोटे छोटे दाने, बीज तो नहीं होते, बीज जैसे ही होते हैं seed जैसे, लेकिन वो seed नहीं होते, बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो स्पोर्स बोलते हैं, और ये रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं। जब ये स्पोर्स जमीन पर गिरते हैं फिर दोबारा से राइजोपस फंजाई ये क्रिएट हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। तो ये स्पोर फॉर्मेशन मोस्टली फंजाइज के अंदर होता है।
तो बच्चों ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इससे वीडियो नंबर 2 है इसका, प्लांट में रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम फ्लावर में पढ़ेंगे। और बच्चों सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए वीडियो, नेक्स्ट वीडियो देखिए इसके बाद।